चुनावी महादौड़ में आज हमें कैसे शख्स आपसे मिलवाने जा रहे हैं, जो अपने आप में ही जिनकी बात करें वो संपूर्ण है, जिनको हमारी सरकार ने बहुत बार इनामों से नवाजा भी है और पूरा समर्थन देकर जो इन्होंने समाज सेवी कार्य भी किए हैं, और इनके कार्य को देखते हुए हमारी बीजेपी सरकार और कांग्रेस सरकार दोनों ने ही इनको अवार्डों से, नेशनल अवार्ड से एक पदवी भी दी है। और आज हम आपको सीधा मिलवाने जा रहे हैं प्रवीण चौधरी जी से, जो हल्का थानेसर से उम्मीदवार हैं। नमस्कार प्रवीण जी। नमस्कार रोहित शर्मा जी। नमस्कार सभी को, मेरी तरफ से नमस्कार। प्रवीण जी, एक दौर है इलेक्शन का दौर जो थानेसर से भी और पूरे हरियाणा में एक आग की तरह चल रहा है, और इस आग की दौड़ में आपको भी पता है, मालूम है, एक बीजेपी का दौर चल रहा है, एक हवा सी चल रही है। उस एक महाआग में आप एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर आप रणनीति में, आप मैदान में आ रहे हैं, और इससे पहले आप जिला परिषद में भी चेयरमैन के रूप में कार्य कर चुके हैं, लाखों समर्थक आपके पहले भी थे, और आज जो आप इलेक्शन में विधानसभा में खड़े हो रहे हैं, आप क्या कुछ मेमोरेंडम लेकर आ रहे हैं मार्केट में? ऐसे शर्मा जी, हम लोगों का मेन उद्देश्य है लोगों की सेवा करना, इसीलिए हम लोगों ने जनता की समस्याओं को जानने के लिए, जनताओं की मांग क्या है, जनता की आज की हकीकत के अंदर जनता चाहती क्या है, उसको जानने के लिए डोर टू डोर अभियान स्टार्ट किया था। लगभग उसको 3 महीने के लगभग हो गए। 3 महीने से हम लोग थानेसर हलके के हर घर तक पहुंचे हैं, हर घर से हम लोगों ने समस्याएं जानी, हर घर से हमें सुझाव लिए हैं। सभी ने अपने अलग अलग तरीके से, किसी ने लिखित में सुझाव दिए तो किसी ने मौखिक तौर से हमें सुझाव दिए। उनके आधार पर, उन समस्याओं को देखते हुए हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र लगभग तैयार कर लिया है। 1-2 दिन के अंदर अंदर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो अपना घोषणा पत्र भी ओपन करेंगे और पब्लिक के पास भी उस घोषणा पत्र को पहुंचाएंगे। उस घोषणा पत्र के अंदर ऐसे ऐसे बातें हम लोगों ने लिखी हैं जो जनता को आज के समय के अंदर मेन जरूरत है, ना कि ये गली और सड़कों की तो जरूरत है, होती है, लेकिन बार बार उखाड़ना फाड़ना, पैसे को वेस्ट करना, भाई पैसा लगाया जाए तो वहां लगाया जाए जहां पब्लिक को लाभ मिले, पब्लिक को उसका फायदा मिले और सरकार के पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल हो सके। हम लोगों ने, सभी साथियों ने मिलकर डोर टू डोर अभियान संपन्न लगभग होने जा रहा है, तो उसके लिए पूरा प्रयास किया गया है। तो पूरी जानकारी हमें जो मिली है, फील्ड से हमें ज्ञान मिला है, उसके आधार पर हम लोग आगे काम करने का प्रयास करें। प्रवीण जी, जैसे अभी आपने अभी बताया कि आपने डोर टू डोर कैंपेन किया, लोगों की समस्याओं को सुना, हर घर तक आप पहुंचे हैं, तो क्या कुछ निकल कर आया है, क्या कुछ लोगों की समस्याएं हैं जो मौजूदा विधायक या आज तक जो भी विधायक बने हैं वो उस समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए, क्या कुछ ऐसी ग्राउंड लेवल की समस्याएं हैं, आप थोड़ा सा हमारे साथ बताइए। ऐसे जो ग्रामीण एरिया के अंदर मैं लगभग सभी घरों के अंदर गया, तो अधिकतर जो भारत सरकार ने जो स्कीमें बना दी, प्लान तैयार कर दिए, लेकिन विधायक की जिम्मेदारी बनती है कि गांव-गांव जाकर या शहर के मोहल्ले में जाकर लोगों को सरकार की स्कीम के बारे में भी बताए, जिससे लोगों को लाभ मिले, लेकिन वो सिर्फ उद्घाटनों में, नारियल तोड़ने में इसी काम पे रह गए हैं। हकीकत में लोगों को सरकार की स्कीमों के बारे में बताया ही नहीं गया। जिन लोगों को पता चला है उनका सिर्फ, जैसे कि उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना, किसी भी ग्रामीण एरिया में किसी भी व्यक्ति को उसका लाभ ही नहीं मिला। सरकार के रिकॉर्ड में स्कीम चली हुई है, लेकिन हम ग्रामीण एरिया में जाके पूछते हैं, सभी माताएं बहनें एक ही बात कहती हैं, बेटा हमारा मकान देखो, ग्रांट नहीं है, ग्रांट नहीं है, देखो देखो। जब मैं जिला परिषद का चेयरमैन था तो मैंने 1 दिन 2 गांवों जैसी स्कीम चलाई थी, उसके अंदर हम 2-2 गांव की इकट्ठी थोड़ी थोड़ी देर के बाद 1 घंटे गैप देके समस्या सुनते थे और समस्या का हल के लिए उनको स्कीमों का बताते थे और अधिकारियों को उसके बारे में काम करने को भी कहते थे। लेकिन आज की जो समस्याएं बनी हुई हैं, उनकी जो स्कीमें जो सरकार ने चलाई हुई है उनमें जो खामियां थी उनको भी दुरुस्त नहीं किया गया। जैसा कि भवन निर्माण की कापी, भवन निर्माण की कापी के अंदर मजदूरों को लाभ मिल सकता था, 1 लाख रुपया उनकी बेटी की, गरीब जो कन्या होती है उसकी शादी में 1 लाख रुपया मिल जाता था, लेकिन सरकार ने उसमें कोई भी चेंजिंग ना करके उसमें कुछ ऐसी त्रुटियां क्या उनको अपने तरीके से दे रही है। उसमें कहती है कि भवन निर्माण की कापी मिला उस व्यक्ति को मिलेगा जो व्यक्ति सरकारी ठेकेदार के पास
काम करता होगा या सरकारी ठेकेदार के पास आगे टेंडर का कागजात लगाएगा। अधिकतर हमारे क्षेत्र के लोग, ग्रामीण लोग या शहरी लोग, मजदूरी जो दहाड़ी करते हैं अपने लोकल क्षेत्र में करते हैं, सरकारी ठेकेदार के पास करते ही नहीं। उनके पास छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी की लेबर होती है सरकारी ठेकेदारों के पास, इस कारण से वो भी छूते रह गए। अगर विधायक साहब कहते तो कहीं ना कहीं वहां पे क्वेश्चन करते, विधानसभा में कहते कि स्कीम इस प्रकार से गलत है, इसको ठीक किया जा सके। बहुत सी ऐसी स्कीमें हैं जिसको कर सकते थे, लेकिन हम लोग आने वाले समय के अंदर सरकार की कोई भी स्कीम में थोड़ी त्रुटि होगी जो जनता को लाभ नहीं दे रही होगी तो उनको दुरुस्त करवाने का प्रयास किया जाएगा और जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ देने का प्रयास किया जाएगा। ऐसी अपनी तरफ से भी कई स्कीमें बनाई जाएंगी, जैसे जिला परिषद के दौरान भी हम लोगों ने ऐसी बहुत सी स्कीमें अपने आप ही लागू की थी जिसको प्रभावित होकर भारत सरकार ने चार चार बार राष्ट्रीय अवार्ड दिया था। हम अपनी तरफ से ऐसी स्कीमें बनाएंगे जिससे कि जनता को पूरा फायदा होगा, आज की जरूरत के अनुसार फायदा होगा। प्रवीण जी, अगर हम बात करें कि हर पार्टी जो आती है वो मेमोरेंडम लेकर आती है, हर जगह अपने जो घोषणा पत्र है वो देती है इलेक्शन होने से पहले, लेकिन इलेक्शन होने के बाद, जैसे हाल ही में अगर हम लास्ट प्लान की बात करें, जब बीजेपी सरकार में हमारे यहाँ जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने भी घोषणा पत्र बहुत लंबा दिया था, लेकिन अगर हम बात करें स्थानीय मुद्दों की, क्या वो कवर हो पाए हैं? वो देश की जनता, वो कुशेतर थारेसर की जनता भली भांति जानती है, तो क्या कुछ आप लेकर जो घोषणा पत्र लेकर आएंगे, स्थानीय मुद्दों को लेकर आएंगे, और जो लोगों की, जैसे आपने घरेलू समस्याएं देखी हैं जिसे हम कह सकते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, व्हाट द पीपल आर फेसिंग, तो आप उन प्रॉब्लम्स को नजदीक से देखकर आए हैं, तो आप क्या कुछ अपने दिल से सेवा भाव, जैसे कि आप समाज सेवी शुरू से ही रहे हैं और पद पर ना होकर भी आपने इतने समाज सेवा के कार्य करवाए हैं कि थानेसर की 90% जो जनता है उनकी जुबान पर प्रवीण चौधरी का नाम आज भी आता है। कोई भी समस्या होती है वो अधिकारी के पास जाने से पहले प्रवीण चौधरी का नाम आता है कि एक प्रवीण चौधरी एक ब्रांड बन चुका है थानेसर का, जो लोगों की समस्याएं बिल्कुल नजदीक से सुन रहे हैं। तो आप जो अब इलेक्शन के बाद जीत हासिल करने के बाद, जब अगर पब्लिक आपको, कुछ थानेसर की जनता आपको अपना मसीहा बनाएगी, विधायक बनाएगी, तो आप क्या कुछ उनके लिए करने की तमन्ना लेकर आ रहे हैं? हम लोगों का मेन जो एजेंडा, हम लोगों का टारगेट रहेगा, बहुत से ऐसे काम होते हैं जो सरकार के सहयोग से किए जाते हैं, लेकिन हम लोगों ने कुछ ऐसे पॉइंट इसके अंदर डाले हैं जो कि सरकार के सहयोग से हो सकते हैं, लेकिन 90% काम ऐसे होंगे सरकार के सहयोग के बिना ही जनता के सहयोग से हम करने का प्रयास करेंगे। और अधिकतर काम पैसे से तो दुनिया काम कर लेती है जी, पैसे से तो किसी को भी पैसा दे दीजिए, सड़क बनानी है, गली बनानी है, तो जो कमीशन खोर व्यक्ति है कमीशन खा के बना देगा, जो ईमानदार व्यक्ति है तो ईमानदारी से बना देगा पूरी। लेकिन हकीकत में राजनीति का काम अकेला सड़क पे गलियों पे ही नाले फिक्स होके रह गए। आज की जो और समस्याएं हैं, हम लोगों का प्रयास रहेगा कि उनको सभी को खत्म किया जाए। जैसे कि बढ़ती ही बहुत से ऐसे स्कूल, आप लोगों ने प्राइवेट स्कूल देखे होंगे, बढ़ती हर साल फीस बढ़ा देते हैं। हम जनता का सहयोग लेकर, पेरेंट्स का, बच्चों का सहयोग लेकर और सरकार से भी सहयोग लेकर हमारा प्रयास रहे कि बढ़ती हुई फीसों को, जो कानून के अंतर्गत नहीं आती, जो लोगों को बका करके पैसे ले जाते हैं, उनको प्रयास रहेगा कम करवाना। इसके अलावा जो सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर भी ऐसी सुविधाएं नहीं है जो प्राइवेट में है, हमारा प्रयास रहेगा प्राइवेट हॉस्पिटलों जैसी सुविधा सरकारी में करवाना। बहुत से ऐसे अलग अलग मुद्दे हैं, एम्बुलेंस की, फायर ब्रिगेड की, ऐसे ऐसे सिस्टम, ऐसे ऐसे तरीके हम लोग ऐसे प्लान करेंगे कि जो पैसे किए बिना ही हो सकते हैं। सिर्फ जैसे पिछले दिनों हम लोगों ने 13 गांव के थाने चेंज करवाए थे, 13 गांव के थाने बड़े से बड़े मंत्री एमएलए यहां से होके चले गए, लेकिन कभी जनता की बात सुनी नहीं, ना बनता जनता के बारे में सोचा, उसमें कोई पैसा नहीं लगा, सिर्फ तरीका लगा। हम लोगों ने मेहनत करनी पड़ी, लेकिन हम लोगों ने 13 के 13 थाने पीपली से कटवा करके इस एरिया में केवके एरिए में लिया, जिससे कि उनको 5 से 7 या 10 किलोमीटर पड़ता है, जबकि वो 25 से 28 किलोमीटर दूर जाते थे। बहुत से ऐसे तरीके हैं, बहुत से ऐसी खामी है सुरक्षा के मामले में होगी। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन थाने वही के वही हैं। मुलाजिम सिक्योरिटी पे ज़्यादा हैं, जहाँ किसी व्यक्ति को एक सिक्योरिटी चाहिए थी, मंत्री एमएलए को, उसको 20-20 सिक्योरिटी है। आम लोग आधा घंटा तक पुलिस को फोन लगाते हैं, दोबारा समझौता ही हो जाता है, फिर पुलिस आती है, अभी तो एप्लीकेशन क्या है।
तो हम लोगों का प्रयास रहेगा कि आम जन के अनुसार सुरक्षा के बारे में भी सोचा जाए, जनता की समस्या के अनुरूप जो भी उनको लगे भी ये भी काम हो सकता है, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सुरक्षा हो, रोजगार के मामले में हम लोगों का प्रयास रहेगा कि जो बेरोजगार बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल जॉब फेयर मेलों का आयोजन किया जाए, जिसके अंदर कंपनियों के माध्यम से बातचीत कुछों से हम लोगों ने कर लिए, कुछों से हम लोग करने का प्रयास करेंगे। जब जनता हमारे को समर्थन देगी, आशीर्वाद देगी, तो हम लोगों से ऐसे बेरोजगार लड़कों की, बच्चों की, लड़कियों की लिस्टें हम लोगों ने फील्ड से ले ली है भी हमारे क्षेत्र के अंदर कितने लगभग बेरोजगार हैं, किनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है। हमारे यहाँ प्रयास रहेगा कि जब ऐसे जो मेले लगाए जाएं तो उनको कॉलिंग की जाए, उनको बुलाया जाए, उनको इंटरव्यू करवाए जाए, जो अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको हम लोगों का प्रयास रहे कि रोजगार मिल सके। प्रवीण जी, अगर बात करें हम हाल ही में जो मोटर एक्ट निकला है, तो उसके लिए पब्लिक में काफी रोष है कि जो एक चलान था जो 100 रुपए का 200 रुपए का चलान हुआ करता था, आज उसी पोल्यूशन की पर्ची जो कहीं मायने भी नहीं रखती, एक 50 रुपए देके किसी भी पेट्रोल पंप से बनवा ली जाती है, तो उस पोल्यूशन की पर्ची का भी एक चलान 10,000 रुपए कर दिया गया है, तो काफी लोगों में रोष है। तो अगर आपको स्थानीय जनता अपना विधायक बनाती है, तो इस बारे में जो आज का मेन मुद्दा है, आज हर किसी के, हर कोई ये कह रहा है कि मेरा व्हीकल, अभी हाल ही में एक एक्टिवा का चलान हुआ, एक्टिवा की कुल कीमत 25,000 भी नहीं थी और उसका 40,000 का चलान कर दिया गया। तो आप ये जो एक मेन मुद्दा है इलेक्शन के टाइम पर उठा हुआ है, और इस मुद्दे को आप कहां तक सही मान रहे हैं, और इसका निवारण आपके दिमाग में आपकी रणनीति से क्या कुछ आप लेके चल रहे हैं? ऐसा मेन जो मुद्दा है, ये वैसे तो जो पैसे की बात है, सरकार ने जो पैसे का, जो चलान के जो पैसे लगे वो ज़्यादा लगा दिए, भी इससे कई गुना बढ़ाने का से जनता को काफ़ी, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो बेचारे साधन तो ले आते हैं, अभी पिछले दिनों स्कोन संस्था की तरफ से एक व्हीकल वाला बेचारा पकड़ा गया, उसकी मोटरसाइकिल कीमत 8509,000 थी, लेकिन चलान उसका 3,000 रुपये कट गया। बहुत सी ऐसी साधनों पर दिक्कत आ रही है, सरकार को सोचना चाहिए कि इनको जो व्हीकल को चला है उनका रेट वैल्यू कम होना चाहिए था, इतना नहीं होना चाहिए था, थोड़े होना चाहिए था। लेकिन हम लोगों को जनता जब साथ देगी तो हम सरकार से विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे कि इसको कम किया जाए, जो कम होगा जनता को वैसे ट्रेनिंग देनी चाहिए, लोगों को वैसे ही विधायक मुद्दे हो गए, उनकी जिम्मेदारी क्या बनती है, सिर्फ वो गली सड़कों तक सीमित रह जाते हैं, कभी किसी विधायक ने जाकर गाँव के अंदर या किसी एरिया के अंदर जाकर कभी किसी को जागरूक करने का प्रयास किया कि आपको साधन पूरे करने चाहिए। मैंने पिछले दिनों जब मैं जिला परिषद का चेयरमैन था तो एक ऐसा प्लान तैयार किया था कि मृत्यु दर को कम किया जाए, मृत्यु दर के लिए मैंने पूरे जिले के सरपंचों को एकत्रित किया था, मैंने कहा था कि अपने गाँव के अंदर जो भी बच्चा बिना हेलमेट के जाता है तो उसको प्यार से समझाएं, ग्राम पंचायत की तरफ सोचें उनको हेलमेट दें, उनको उनके शरीर के बारे में बताएं, उसके परिवार को, उसकी मातों को बताएं भी आपका ये बच्चा है अगर बिना हेलमेट के जाएगा तो उसको दुर्घटना से मृत्यु भी हो सकती है। क्या किसी विधायक ने या किसी जनता के नुमाइंदे ने किसी को कभी ऐसा करने के लिए कहा? लेकिन चलान के लिए तो कह दिया, क्योंकि पैसा इकट्ठा हो सके। हम लोगों का प्रयास रहेगा कि जनता से पैसे इकट्ठा करने के बजे उनको सुविधाएं भी दी जाएं। अगर मान लीजिए सुविधाएं तो सड़कों पर तो गड्ढे पड़े हैं, साधन है नहीं है, सिस्टम पे है, तो उनके लिए चलान के लिए 20,000 रुपये 30,000 रुपये तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है। प्रवीण जी, अगर हम बात करें जैसे अभी आपने बताया एजुकेशन को लेकर और रोजगार को लेकर, जो मेन आज की डेट में युवा की प्रॉब्लम है एजुकेशन, एंड सेकेंड थिंग हमारी आती है बेरोजगारी। आज की डेट में हर जो दूसरा आद व्यक्ति है वो बेरोजगार होता जा रहा है। आपने अभी हाल ही में बताया कि आपने एक एजेंडा तैयार किया, आपने एक लिस्ट तैयार करी है जगह जगह जाकर, लोगों से मिलकर, जनता के बीच में जाकर कि हम एक लिस्ट प्रिपेयर की है बेरोजगार युवकों की। तो अगर हम बातचीत करें कि आपने कहा कि हम कोशिश करेंगे जॉब फेयर्स लगाकर उनको जॉब देने की, तो प्रवीण जी मौजूदा सरकार में क्या आप ये दावा कर रहे हैं कि हर बच्चे को सरकारी जॉब दिलवाएंगे? क्या सरकार के पास इतनी जॉब्स अभी अवेलेबल हैं, या उस टाइम आप उनको जॉब्स किस प्रकार से अवेलेबल करवा पाएंगे? ऐसे जो सरकार से कभी भी कोई विधायक होता है सरकार से सहयोग तो लेता है, लेकिन सरकार का जॉब लगवाना वो कोई विधायक के लिए खास बात नहीं हो, तो जो सरकार की स्कीम है कोई वैकेंसी निकल गई बच्चा अपने आप लगता है,
अब यहाँ पे के विधायक का जो बच्चे लगे हैं वो तो विधायक ने थोड़े लगवाए, उन बच्चों ने अपनी मेहनत की, अपने आप लगे हैं। विधायक का तो रोल नहीं होता, विधायक का तो ये ना भाई कोई अपने तरीके से हमारा प्रयास रहेगा, सरकार में सहयोगी रहेंगे, सरकार के सहयोग से वैकेंसियां निकलेंगी, उसमें लोगों को जागरूक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप लोग फॉर्म भरो, ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन के लिए उन बच्चों को तैयार करवाएंगे, थाने सर हल्के के रिकॉर्ड बन सके कि टेस्टों के अंदर थाने सर हल्के के बच्चों ने ज्यादा पास किए हैं। इसके साथ साथ हमारा प्रयास रहेगा प्राइवेट कंपनियों से बातचीत करने का, क्योंकि आज के समय के अंदर बीटेक आईटी पॉलिटेक्निकल बच्चे इतने ज्यादा बेरोजगार हैं, जो टेक्निकल बच्चे हैं जिनको रोजगार की जरूरत है, तो हमारा प्रयास रहेगा कि कंपनियों को उन बच्चों को पहले ट्रेनिंग दिलवाकर कंपनियों से कंपनियों में ही एडजस्ट किया जा सके, क्योंकि इतनी बड़ी बेरोजगारी को अकेली सरकार की नौकरियों से खत्म नहीं किया जा सकता, या तो बड़ा प्लांट लग सके, या सबसे जो मेन हमारा उद्देश्य रहेगा कुरुक्षेत्र की धरती कृष्ण भगवान की धरती है, इसके अंदर टूरिज्म का काम इतना ज्यादा चल सकता है, इतना ज्यादा चल सकता है। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पे ना तो गेहूं होती, ना चावल होता, ना जी कुछ भी अन्न नहीं होता, लेकिन टूरिज्म के सिस्टम से पूरे विश्व में ममीर है। लेकिन हमारा कुरुक्षेत्र तो एक ऐसा धार्मिक स्थल का स्थान है जहाँ पे माँ वैष्णो देवी जाने वाले व्यक्ति भी यहाँ रुक सकते हैं, जहाँ पे हिमाचल के अंदर जितने भी टूरिज्म स्थान है वहाँ पे जाने वाले भी रुक सकते हैं, जम्मू कश्मीर के भी हैं, पंजाब में भी हैं, अमृतसर गुरुद्वारा है, जहाँ पे भी कोई ऐसे टॉपिक अगर उनको रात को टॉपिक जहाँ मिल जाए कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र वासियों को तो वैसे भी रोजगार की जरूरत न, वही इतना बड़ा रोजगार हो जाएगा जिसका कोई हिसाब नहीं, लेकिन सिर्फ गीता जयंती पे पैसे लगाने से रोजगार नहीं बन सकता, रोजगार के लिए तरीके बनाने पड़ते हैं, वो तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो टेंटों पे ढाई ढाई तीन तीन करोड़ चार चार करोड़ लगाना, ये मैं तो कहता हूँ एक बड़ी मूर्खता ही है। अगर इतने पैसों को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा एक हाल बना देते तो दुख और सुख में कुरुक्षेत्र वासियों को भी काम आता, और गीता जयंती के समय के अंदर उसमें बड़े फंक्शन भी चल जाते, जिससे कोई पैसा भी बचता और लंबे समय के लिए पैसा बच जाता, खर्चा ना होता। तो जैसा कि हमारे दर्शकों से हमने आज गुफ्तगू करवाई है प्रवीण चौधरी जी की, ऐसे स्थानीय मुद्दे प्रवीण जी ने लोगों के बीच में जाकर उठाए हैं जो ग्राउंड लेवल पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थी लोगों की, उनको मुद्दों को इन्होंने उठाया है, और जैसे कि हमारे चैनल के माध्यम से थानेसर की जनता इनको देख रही है, और आगे भी अगर थानेसर की जनता प्रवीण जी को अगर मौका देती है तो जैसा कि प्रवीण जी ने खुद बताया है कि वो किन किन मुद्दों पर किन किन मेमोरेंडम पर वर्क करके काम करेंगे और थानेसर की जनता को एक पूर्ण रूप से सहयोग देंगे। प्रवीण जी एक समाज सेवी भी हैं और आज तक इनका रिकॉर्ड रहा है कि ये जनता के बीच में रहकर उनकी समस्याओं का निवारण करते हैं। धन्यवाद प्रवीण जी। नमस्कार सभी। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।